केस दूल्हे डिस्ट्रिक्ट बनाम राज जाते हैं, मगर देखते हैं कि दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की ये मुकाबला गवाही का बहुत आ दिया होगा, क्योंकि यदि आपको प्रमोशन जोन में जाना है तो ये मस्ट विन मैच है। जहां से मुकाबला गवाएंगे घर नहीं जाएंगे, लेकिन रेलिगेशन आपको खेलना पड़ेगा। जहां परिस्थिति ये होती है कि सिर्फ टॉप की दो टीम आगे की तरफ क्वालिफाई करती हुई नजर आती है, वहीं यदि आप प्रमोशन जोन में चले गए तो आपका सूरत हाल थोड़ा सा अच्छा होगा, इतना खस्ता होगा नहीं। दूल्हे डिस्ट्रिक्ट एक स्टार रेटिंग है, 30% रेट का सक्सेस है। अंदर जो खिलाड़ी आया वो कौन है? बहरहाल दूल्हे डिस्ट्रिक्ट का खाता खुला, पाटिल ने वो खाता खोला था। डिफेंस के अंदर अभी भी 6 खिलाड़ी का मतलब ये है कि बोनस एक्टिवेट है। क्या बोनस निकालना चाहेंगे या किसी तरीके का टच लेकर आएंगे? इनकी पोजीशन को टो टच मार अक्षय पाटिल एम्प्टी हैंडेड जाते हुए, लेकिन यहाँ पर आए हैं निखिल शिर्के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। सक्सेस रेट की बात करेंगे, यहाँ पर 52% रेट सक्सेस रेट रायगढ़ का, और ये बहुत बड़ा अंक ही जरूर, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंट वो थे नहीं। तो यहाँ समय हो चुका है डू और डाई की परिस्थिति का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। 4 का डिफेंस, बोनस एक्टिवेट है नहीं, और वैसे भी 4 का डिफेंस बहुत टफ माना जाता है, इतना आसान है नहीं। रोहित ने गलती की है, डाइविंग एंकल होल्ड करना चाह रहे थे, सरप्राइज टैकल दिखाना चाह रहे थे, खुद को शॉक लग गया, मध्य रेखा के दिशा की तरफ चले गए थे। प्रशांत यादव यहाँ पे आउट हुए है, राज जंगम को स्थान मिला है, जयवर्धन यहाँ पर। जयवर्धन क्या मध्य रेखा को क्रॉस किया बेद नजर, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेजरमेंट। और जो गांव होते हैं ना, उसमें जो लेखपाल होते हैं वो गांव में जमीन की मेजरमेंट ऐसे ही करते हैं, लुत्फ उठाइए है। जी हाँ, संडे है और कबड्डी के हिसाब से ये फंडे है। दर्शक यहाँ पर भरे हुए, और निखिल शिर्के यहाँ पर कोई चांस नहीं दिया गया। ये एकमात्र रेडर अपने टीम के जिनको 5-स्टार रेटिंग मिली है नमनी। जी हाँ बिल्कुल, बेहद खूबसूरती प्रस्तुति आयुष आपके द्वारा, वो बचपन के दिनों की बातें जिस तरीके से आपने की, एक रोजगार एक जीने का तरीका मिलता है। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, क्योंकि कप्तान अक्षय पाटिल उनको पिछली बार जब वो डिफेंड कर रहे थे बाहर कर लिया गया, वैभव को यहाँ रेड लगाने के लिए आना पड़ा है। वैभव ने एक मुकाबले के अंदर 6 पॉइंटर रेड लगाई थी, यहाँ एंकल पके दूल्हे डिस्ट्रिक्ट को जिता गए थे। दिक्कत देखी ना नवनीत को, एक और पॉइंट एक, जी हाँ डू और डाई। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जयवर्धन गिरासे को मौका मिलेगा, और जयवर्धन यहाँ पर डू और डाई रेड लगाने के लिए आए हैं। एक्सपर्ट वहाँ इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, डू और डाई वहाँ थी, डू और डाई यहाँ है। 4 का डिफेंस है का मतलब ये कि बोनस फिर एक्टिवेट नहीं है। राज जंगम एक भी मुकाबला टीम में शुरुआती साथ में नहीं खेले हैं, हर मैच के अंदर इस खिलाड़ी को बताओ सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी बुलाया गया और इसने अपना काम किया। स्कॉर्क पेन केक वहाँ गलती हुई, वैभव का इनिशिएशन, क्योंकि अपनी टीम के लिए डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं और मैट के ऊपर सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद है दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए, तो वो चाह रहे हैं कि कोई रेडर आके उनके टीम के लिए पॉइंट निकाल के लाएं। मुकेश, मैट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी को है नहीं, तो चाहे को आउट क्लेम कर रहे थे, इस बार आउट हो गए पाटिल, कोई दोहराए नहीं। रायगढ़ बोनस पॉइंट दूल्हे, रेडर आउट 1 पॉइंट रायगढ़। मैदान में वापस नहीं आएंगे, 10-10 की स्कोर की बराबरी, 60 सेकंड से कम का खेल बचा है, और एक केक वहां। हिम्मत है इस खिलाड़ी में, कई बार स्कॉर्पियन किक का एग्जीक्यूशन किया है, लेकिन आज के मुकाबले में स्कॉर्पियन किक के चलते एक भी पॉइंट इनको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी राज ने जो बैक किक की स्किल्स दिखाई है वो कमाल की रही है। मुकेश सोनी, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ऑलराउंडर की भूमिका निभाए, राज जंगम वहां पर ऑलराउंडर की भूमिका में असफल। देखिए किस खूबसूरती से वहां बोनस का प्रयास किया गया, और यहाँ नजर जरूर आते हैं, याद रखिएगा 2 राज है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। अक्षय पाटिल फिर से एक बार यहाँ पे उसको बढ़ाना पड़ेगा, दूल्हे थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ये खिलाड़ी उनका प्रीमियम खिलाड़ी है, क्या प्रीमियम खिलाड़ी, प्रीमियम प्रदर्शन कर पाएगा आने वाले 16 मिनट में, और ये मैच डिस्टर्बिंग द गेम। राज जंगम यहाँ पर हैवी पैक नहीं खेल रहा, तो जहां से भी डिफेंडर पॉइंट लाए, जिस भी पोजीशन से वो पॉइंट कमाए, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और राज जंगम आज के इस मुकाबले में 3 तक तो बचती नजर आई है हमें दूल्हे की टीम, लेकिन ज्यादा नहीं, शुरुआती रेड सेकंड हाफ की शुरुआत में ही 3 पॉइंट मिल गए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम को, सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने। निखिल अभी डिफेंस में पॉइंट कमाया था और अब रेड करते हुए पॉइंट लेकर आएंगे, 2 बार जब ऑल आउट हुई है दूल्हे डिस्ट्रिक्ट की है, और भी पिछड़ जाएगी। और फिर से एक बार यहां पर जयवर्धन,
और डाई 26 और 16 का स्कोर और डू और डाई रेड में इस बार अक्षय पाटिल सफल हुए हैं। दूल्हे नंबर 5 एंड 10 आउट। अब तक दो बार सक्सेसफुल ये खिलाड़ी लगातार सक्सेसफुल रेड के लिए जाना जा रहा है। 3 का डिफेंस सुपर टैकल की सिचुएशन चेन कोई भी नजर नहीं आ रही। अक्षय पाटिल जिन्होंने पिछली बार 2 पॉइंट निकाले थे देखिए नवनीत जहां तक आपने बोनस निकालने की बात की है तो क्योंकि कवर्स के खिलाड़ी थोड़े से हाई लाइन रहते हैं हमने देखा है दोनों तरफ का कॉर्नर मूवमेंट करता है तो जब कॉर्नर मूवमेंट करके पीछे की तरफ जाता है तो आप कॉर्नर एक रेडर भी होते हैं तो उनके डिफेंस की स्किल्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी लो होती है। जी हाँ और बिल्कुल मैं आपकी बात समझ भी रहा हूँ मान भी रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा था कि अक्षय पाटिल 31 और 18 स्कोर यहाँ पर और वैभव बोर से क्या वैभव कुछ मल्टीपल का मतलब सुपर टैकल की सिचुएशन यदि यहाँ सुपर टैकल के अंदर डिफेंस दर्द बोध मिलता है निखिल को तो एक के बनिस्पत 2 पॉइंट मिलते हैं यदि नहीं और पॉइंट निकालने में सफलता मिली निखिल को तो देखना यह है कि कितने पॉइंट वो निकाल पाएंगे क्योंकि सिर्फ लगाइए अपने टीम के लिए हो सकता है तो रिवाइवल लाइए और यदि वो रिवाइवल नहीं आया तो याद रखिए भूषण आपकी टीम ऑल आउट के खतरे के आसपास मंडरा रही है। 2 ऑल आउट जैसे कि नवनीत ने बताया इन्फेक्ट हो चुके हैं। स्कॉर्पियन किक लगाने की कोशिश कहां करी आपने दोनों हाथ मैट के ऊपर चले जाते हैं जो प्रदर्शन है बिल्कुल खेत बिकने जैसा है यानी बहुत ही दुखदाई। 1+2 3 पॉइंट्स रायगढ़ ऑल आउट धुले तो डिफेंस के अंदर भी 2 अंकों का योगदान दिया है। हाउस पैक डिफेंस थ्रू धूले की टीम भी पूरी ऑल इन हुई है। अक्षय पाटिल अंदर आए हैं अक्षय पाटिल को शिकार बना लीजिए। ताश के पत्तों की तरह बोनस कैसे निकाला इनकी पोजीशन के सामने से यही वो पोजीशन है नवनीत जिसका हमने जिक्र किया और अनुराग सिंह यहाँ पर एक और पॉइंट लाते हुए और 3 पॉइंट की मगर स्कोर कार्ड कहानी कुछ और बता रहा है अभी भी सुपर 10 में 1 पॉइंट कम है उनका। अंतिम 2 मिनट ये इससे पता चल रहा है कि डिफेंस कितना ज्यादा बिक रहा है तो वहीं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने भी विराज पाटिल और प्रणव के रूप में 3-3 यानी कुल मिला के 6 अनसक्सेसफुल टैकल इन 2 डिफेंडर्स की तरफ से आ गए तो डिफेंडर्स से 1 मिनट 22 सेकंड का खेल सुपर टैकल के मौके हैं क्या इस मौके पर धूले डिस्ट्रिक्ट कोई चौका मार सकती है ये देखना होगा। लेको और आखिरकार शगुन के अंक पे वो पहुंच चुके हैं 21 अंक पे लेकिन ये फासला कितना बड़ा 22 अंकों का जितना वहां शगुन है उससे ज्यादा यहां फासले नजर आ रहे हैं और इसके बाद एक और रेड होगा। जयवर्धन यहां पर कोशिश करते हुए कोशिश के पुणे में हो रही है। अब यहां निखिल शिर्के के पास मौका अपना सुपर 10 कंप्लीट करने का मैच ओवर उन्होंने रेड के कमाए 23।